आ रहा है, आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की जो औषधि अनाज मंडी है उस हिस्से में मौजूद है, और आज हमारे साथ फिर से नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ प्रतिनिधि और विशेष तौर से जो उपज को लेकर औषधि फसलें हैं उनके जो जानकार है, मार्केट पर नज़र रखने वाले नवल जी मित्तल हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो किस फसल के बारे में क्या राय दे रहे हैं और किस तरह का मार्केट है। एक नई तरह की फसल है जिसकी अच्छी डिमांड भी है और दाम भी अच्छे हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है मार्केट टाइम। नमस्कार। अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे तो एक फसल के बारे में बताया, कौन सी फसल है और क्या भाव चल रहा है, किस तरह की फसल है? देखो, नीमच मंडी अपने आप में ऐतिहासिक मंडी और हर्बल के मामले में इन दिनों एशिया की नंबर 1 मंडी बनने जा रही है। आयुष विभाग खुद 50 करोड़ रुपया इस मंडी को दे रहा है। यहाँ पे 100 टाइप्स ऑफ हर्बल, प्रतिदिन 100 टाइप्स ऑफ हर्बल के आइटम आती है, जिसमें नीम की पत्ती हो कि निम्बोली हो कि आपका खेजड़ा हो कि कुछ, मतलब आप अभी एक आप ही के मीडिया वालों ने एक प्रसारित किया था कि यहाँ सब कुछ बिकता है। ऐसे में और आवक के चालू हो गई, जो जंगल में घूम रहा है अगर वो झाड़ी भी काट लाता है, बेरड़ी भी लिया हुए वो, और टेसू का फूल लिया, बिल पत्थर लिया, बिल्ला लिया, हर चीज़ यहाँ बिकती है। ऐसे में एक फसल आती है कुसुम, कुसुम का बीज जिसे करडी कहते हैं महाराष्ट्र में, उसका तेल खाते हैं, जैसे आप और हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, मूँगफली का खाते हैं, ऐसे वो लोग करडी का तेल खाते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है वो, तो सदियों से पैदा हो रहा हो, ऐसा नहीं कुसुम आज बीज पैदा हुआ है। उस कुसुम बीज की पत्ती निकलती है वो बिल्कुल सेम समान केसर, उसको अमेरिकन केसर का नाम दे रखा है किसानों ने, जबकि एक्चुअल में कड़ी पत्ती है, वो कड़वा कड़वा रहता है, अच्छा कड़वा, मगर उसका जो पत्ती का जो नाप है, रंग रूप है, वो बिल्कुल आप केसर की पत्ती है जो कश्मीर में पैदा होती है। अब वो होती है 2.5 लाख रुपये किलो, ये होती है 1 लाख रुपये क्विंटल, यहाँ पर मंडी में क्विंटल से बिकता है, ये भी 1 लाख रुपये क्विंटल। अब इन किसानों को क्या हुआ था, अब शुरू शुरू में तो भ्रमित किया गया 4 साल पहले, इनके मेड़ पर जा जाके उन लोगों ने जिन्होंने बीज बेचा एनजीओ वालों ने, उन्होंने इसको 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये किलो के साथ बीज बेचा, जबकि उस बीज की कीमत है 50 रुपये किलो। मगर उन लोगों ने बोया, उसके बाद वो जो फूल उगता बड़ा सुंदर है, मगर बहुत कांटे वाला कटीला फूल रहता है, उसको निकालने में इतना कांटे चुपते हैं नहीं, फिर मगर 30-40 किलो पत्ती पैदा हो जाती है, 40 किलो पत्ती हो जाए 1 लाख रुपये के भाव की तो 40,000 की हो गई उसकी। ऐसे में इसका उत्पादन बढ़ता चला जा रहा चारों तरफ, कुसुम यहाँ पे नीमच में 10 क्विंटल, 5 से 7 क्विंटल, 8 क्विंटल कुसुम की पत्ती रोज आने लग गई, इसका भाव 1 लाख रुपये क्विंटल है। अच्छा, वियतनाम जाती है, दवाएं बन रही है इनकी भयंकर, ये लीवर के लिए भी इसकी दवा बन रही है, हार्ट के लिए बन रही है बताते हैं, मतलब नेट पे जो जानकारियां मिलने लगी उसके, किसान के बच्चे जो नए युवा पीढ़ी आई है पढ़ी लिखी, वो लोग उससे सर्च कर करके बराबर अब सारे लोग आयुर्वेदिक पे आने लग गए, गेहूँ मक्का उड़द मूंगफली इनके उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग गए, किनोवा पैदा होने लग गया, चिया सीड पैदा होने लग गया, ये कुसुम पैदा होने लग गया, आंवला हराड़ भराड़ आंवला, मतलब आप देखो ना आयुर्वेदिक पे किसान इतनी तारी राजी हो गया, क्योंकि एक तो जीव जनावर नहीं लगता है, खर्चे फोकट के है नहीं, उसके अंदर खाद भी कम लगता है। तो ऐसे में ये कुसुम की पत्ती का जो चलन चला है इस नीमच मंडी में ऐतिहासिक रूप से यहाँ आता है, और सिर्फ ये अभी हाल फिलहाल नीमच ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, अपने आसपास की कोई ऐसी मंडी नहीं, सिर्फ नीमच में ही कुसुम का जो फूल पत्ती जो, अरे मध्य प्रदेश में तो क्या, इंडिया में ये मंडी ऐसी है जहाँ से डाबर, वेदना, झंडू फार्मेसी, बाबा रामदेव, जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी हर्बल कंपनियाँ, उन सबको रॉ मटेरियल अगर चाहिए तो नीमच मंडी पकड़ती हो, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या सुई से लेकर तलवार तक हर आइटम मिल जाएगी। नीमच मंडी इतनी पॉपुलर मंडी है और किसानों को उस उपज का इतना, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपये बीघा की हर फसल पैदा होने लगी उसकी, जबकि गेहूँ 25-30 हज़ार रुपये बीघा से ज़्यादा पैदा नहीं हो पाता है। ऐसे में सबका ध्यान ही हर्बल पर चला गया। अब ये तो शासन को ये जरूर चाहिए कि इस हर्बल को, जिसको मंडी पे भी शुल्क लगा रखा है, मंडी शुल्क लगा रखा है और किसी किसी चीज़ पे तो GST है नहीं, मगर इसको सब समस्त टैक्सों से मुक्त करना चाहिए, जिससे कि इसकी तरफ ध्यान किसान का वो आकर्षित हो, क्योंकि ये देशी दवाइयों पे जो देश जा रहा है, हर आदमी देशी पे जान लग गया एलोपैथी के साइड इफेक्ट सुन के। ऐसे में इसका प्रोत्साहन देने के लिए इनके ऊपर से टैक्स हटा देना चाहिए, जिससे किसान इसको और ज़्यादा बोए और व्यापार इसके व्यापार में इंटरेस्ट ले, बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करे, एक्सपोर्ट होता है, इंडिया गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है। जो कुसुम की पत्ती है वो मतलब ये सीजन में आती है कि 12 ही महीने आती है, क्या रहता है उसका? नहीं, 12 महीने नहीं आती, ये अभी हाल आ रही है, क्योंकि अभी पैदा होकर निकली है सब, ये सर्दी में पैदा होती है, सर्दी में निकलती है, अब वापस से इसको बोएंगे लोग बरसात में अगस्त के बाद, फिर वापस से उन्हें दिसंबर जनवरी में पिला जाएगी, ये खूब पैदा होती है। तो ये इसके लिए कुछ बड़ा एरिया चाहिए तो छोटे? नहीं, सेम खेत सेम टाइम है, 4 महीने की फसल है ये भी, और बड़ा सुंदर फूल दिखते हैं जब खेत में, जब फूल लगता है इसका बड़ा सुंदर लगता है खेत, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं, 40 से 50 हज़ार रुपये इसका बीघा का छूट जाता है किसान को, और बड़ा इंटरेस्ट लेके बोता है, इसमें जानवर नहीं लगते, कोई ढांडे डोर नहीं खाते इसको, फालतू के दवाई सुरक्षित है, तो
मतलब इसमें पानी भी तीन पानी साढ़े तीन पानी चार पानी जो लगता है जो सब फसलों को लगता है वो पानी लगता है, मतलब मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। मेहनत तो किसान तो मेहनती तो है, मगर उसको 50,000-40,000 मिल जाता है तो बड़ा राजी होता है, बहुत फसल आ रही है। तो अभी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जो कुसुम के फूल जैसे अभी जो पत्ती है अभी आने रही है, क्या आगे आपके इसकी भी बढ़ेगी, इसका मार्केट अच्छा दिख रहा है? देखो, जिन लोगों को मजा आ गया है, जिनको मेहनत करना आती है, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, वो लोग तो उसको हमेशा बोएंगे और बढ़ा के बोएंगे, घटाएंगे नहीं। और जिनको बोना ही नहीं आता है, नहीं हुई मार्केट तो खराब हो गई, तो खेती खत्म हो गई। जो नेगेटिव सोच वाला आदमी वो इसको बंद करेगा, मगर पॉजिटिव सोच वाले इसको बहुत बोएंगे। इसका विकास और होना है, दिन पे दिन बढ़ना ही बढ़ना, क्योंकि दवाइयों में एक्सपोर्ट हो रहा है इसका, इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, दवाइयों में जा रहा है, इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल ही है, घटने का तो कोई काम ही नहीं है। कुल मिला के जो कुसुम का भविष्य है वो काफ़ी अच्छा है, और ये ऐसी उपज है जो मतलब कम खर्चे में मान सकते हैं अपन, अच्छा प्रॉफिट देने वाली। इसमें बीज का बीज मिल जाता है वापस से, बीज तेल में जाता है, करडी का तेल बना के खाते हैं, महाराष्ट्र में जाती है बीज। अच्छा, बीज का भाव अलग है? बीज अलग है, बीज 50 रुपये किलो अलग बिक रहा है उसका। अच्छा, वो 3.5 क्विंटल के आसपास बीज भी पैदा होता है उसका, और फूल भी पैदा होता है, 40 किलो फूल की पत्ती पैदा हो जाती है। वो तो अखबार में कोई खर्चा नहीं, कोई रोल नहीं है इसमें, फालतू का काम ही नहीं है, खुद ही दवाएं तो अपने आप में सब जितनी भी आयुर्वेदिक आइटम है खुद ही दवाएं, खाद डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लिमिटेड काम है जो ये लोग डालते हैं यूरिया वगैरह, पहले पौधा पैदा होता जाए। बाकी का आनंद है, और नीमच मंडी में माल दिन पे दिन बढ़ रहा है, आयुर्वेदिक पे लोगों का रुझान बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इसमें खर्चा कम है और फसल का पैसा भी खूब आता है। नीमच मंडी में हर चीज़ बिकती है, बस यही बात है कि जो आपने मीडिया ने बताया है कि नीमच मंडी में सब कुछ बिकता है, निश्चित रूप से सब कुछ बिकता है। तो जैसा कि मित्तल जी ने बताया कि नीमच मंडी में ऐसी कोई भी उपज नहीं है जो नहीं बिकती, और ख़ासतौर से कुसुम के फूल की जो पत्ती की बात करें तो वो काफ़ी